खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां जिला इंतजामिया सियालकोट के जरिए तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सियालकोट के मौलवी मीर हसन हॉल में खवातीन हराजगी एक्ट वरासती जायदाद में हिस्सा के अनवान से शौरी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते सेक्रेटरी खातून मुहदस पंजाब चौधरी मोहम्मद असलम ने कहा कि किसी मुल्क में तामीर व तरक्की का दार मदार उसकी मजमू अफरादी क़ुव्वत पर होता है, जिसमें खवातीन का हिस्सा 50% बनता है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी मुल्क ने इस आबादी घरों में महसूर हो जाए और मुल्क मैशीत में कोई करदार अदा ना करे। खवातीन को घरों से बाहर काम करने वाली जगहों पर जिनमें फैक्ट्रियाँ और दफातर शामिल हैं ऐसा सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए जिसमें वह खुद को महफूज तसव्वुर करें और उनको किसी किस्म की हरासगी का सामना ना करना पड़े। और खुदा न खास्ता ऐसे मनफी अनासर जो माशरे में मौजूद हैं जो खवातीन पर अपनी समाजी माशरती हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए खवातीन को नाजायज़ तालुकात पर मजबूर करें या तंग करें, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए खातून मुहदस पंजाब का इदारा हर तरह का तहफ़ फराहम कर रहा है। और अब तक मजमू तौर पर 6,000 से ज़ायद फैसलों पर खातून मुहदस पंजाब में 99% फैसलों को मेरिट पर निपटा कर इंसाफ फराहम किया है। रिपोर्ट कर रहे थे सियालकोट से नुमाइंदा गेट न्यूज़ मियाँ मोहम्मद सलीम।